पिछले वर्ष भी पुलिस जब लॉकडाउन लगा था तो पुलिस को बहुत ज़्यादा सहायता करनी पड़ी थी लोगों को। उस पिछले साल मुद्दा था जो माइग्रेंट लेबर थी उनके रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। इस बार के लॉकडाउन में चूंकि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया, डेथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया ऑक्सीजन की ज़रूरत, उसकी एम्बुलेंस की ज़रूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत, यहाँ तक कि दाह संस्कार में समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए हमने लोगों की ज़रूरत और जो सहायता करने वाले लोग हैं इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने हैं तो मिशन हौसला की शुरुआत की है। 1 मई से मान सकते हैं हमने डाटा इकट्ठा किया है। तो जैसे कल ही कल की बात करूँ तो 649 कॉल आई हैं पूरे स्टेट में मदद के लिए पुलिस ने, और उसमें से इनको छोड़ करके जो हॉस्पिटल बेड कराना है बाकी सब में हमने पूरी मदद कर दी है। खाली ऑक्सीजन ही कल कल में हमने 116 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए। तो ये हम अपनी तरफ से, हमारे पास नहीं है, हम लोगों से ही करवा रहे हैं। लोग हैं वो रख लेते हैं कि बाद में काम आएगा, अब हम कह रहे हैं भाई दूसरों के काम आएगा, तुम तुम्हारी जरूरत दोबारा पड़ेगी फिर पुलिस तुम्हें उपलब्ध करा देगी। तो इस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है। अभी तक हम जो है कुल 665 लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा चुके हैं, 337 लोगों को बेड दिलाने में हेल्प कराया है, 101 लोगों को प्लाज्मा दिलाया है, 5460 लोगों को दवाइयाँ दिलवाई हैं, 157 लोगों को एम्बुलेंस से मदद करी है, 289 लोगों का हमने दाह संस्कार करवाया है कि या तो परिजन है नहीं या है तो वो आगे नहीं आना चाहते। और इस तरह से राशन तो हमने 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को करवाया है। तो ये एक प्रयास है कि लोगों का हौसला बना रहे, पब्लिक का भी, पुलिस का भी, और जो कोरोना से जो ग्रसित हैं उनका भी। पुलिस तो सच में बहुत ही बड़ी है, और लोगों को मैं यही अपील कर सकता हूँ कि पता नहीं क्यों उनको डर नहीं लग रहा है, जब कोरोना इतना फैल चुका है तो अपनी आवश्यकता की चीज़ें एक ही बार में क्यों नहीं खरीद लेते, और रोज़ रोज़ मार्केट क्यों जाते हैं। मार्केट जाएंगे तो संभावना बनी रहेगी कि आपको कोरोना लग जाए, आपको लगेगा तो आपके घर वालों को लगेगा, आपके पड़ोसियों को लगेगा। तो कृपया करके इमरजेंसी के बिना घर से बाहर मत निकलिए।